नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन मंसल वास्तु कंसल्टेंट आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा आप मार्केट के अंदर शॉप लेने जा रहे हैं आप परचेज करने जा रहे हैं या किराए पर लेने जा रहे हैं और मार्केट के अंदर कुछ ही शॉप अवेलेबल है वास्तुशास्त्र के अनुसार शॉप किस तरीके की कैसे लेनी चाहिए लेकिन ये चीज़ें तो तब होती है जब मार्केट के अंदर शॉप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो लिमिटेड शॉप है और आप वो शॉप परचेज करने जा रहे हैं या रेंट पर लेने जा रहे हैं वो गोमुखी है आपके दिमाग में एक बात आई कि कहा जाता है कि दुकान काम करने के लिए जो जगह होती है वो शेरमुखी होनी चाहिए और घर के लिए गोमुखी होनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो दुकान यानी जो दुकान आप लेने जा रहे हैं वो वेस्ट फेसिंग है पश्चिम मुखी है और गोमुखी शॉप है शॉप की वेस्ट की दीवार बिल्कुल सीधी है स्ट्रेट है उसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 90 डिग्री बनता है यानी नॉर्थ की दीवार भी आपकी कंप्लीट सीधी हो जाती है ऐसे ही साउथ वेस्ट कॉर्नर ये भी अपना 90 डिग्री बनता है इसमें वेस्ट की दीवार भी सीधी हो जाती है और साउथ की दीवार भी सीधी हो जाती है साउथ ईस्ट कॉर्नर 90 डिग्री प्लस हो जाता है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर 90 डिग्री लेस माइनस हो जाता है तो ऐसे में जो दुकान बनती है वो गोमुखी दुकान बनती है और दुकान का शॉप का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एक्सटेंड हो जाता है बढ़ जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस प्रॉपर्टी का जिस दुकान का नॉर्थ ईस्ट कोना बढ़ता है उस जगह में काम करने वाला व्यक्ति हमेशा ही खुशहाल रहता है उसकी वर्किंग हमेशा ही अच्छी रहती है ऐसा वास्तुशास्त्र भी कहता है और मेरा अपना अनुभव भी कहता है आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई हुई है कि दुकान गोमुखी अच्छी नहीं रहती आप अपनी मार्केट में जो दुकान आप लेने जा रहे हैं उसके लेफ्ट में भी दुकानें होंगी और उसके राइट में भी दुकानें होंगी पीछे की दीवार तिरछी है तो वो सभी दुकानों के अंदर पीछे की दीवार लगभग तिरछी जरूर मिलेगी आप उन सभी दुकानों को चेक कीजिए वो सभी दुकानें अच्छी चलती हुई जरूर मिलेंगी क्योंकि हर एक दुकान का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ है कुछ दुकानें ऐसी भी हो सकती है कि उनके अंदर वर्किंग अच्छी ना हो वर्किंग अच्छी है लेकिन जो होना चाहिए काम वो काम नहीं होता तो ऐसे में अंदर का सेटअप भी सही होना बहुत जरूरी है हमने नॉर्थ ईस्ट बढ़ती हुई शॉप तो ले ली चाहे वो गोमुखी बने या शेरमुखी बने लेकिन अंदर का सेटअप यदि हमने सही नहीं किया तो उस जगह वर्किंग अच्छी नहीं आ सकती तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा आप जो शॉप लेने जा रहे हैं जो दुकान लेने जा रहे हैं वो वेस्ट फेसिंग है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बढ़ता हुआ है तो सबसे पहले तो जो आपकी शॉप है रोड के लेवल से हमेशा ही ऊँची होनी चाहिए आप उसको परचेज कर रहे हैं या किराए पर ले रहे हैं इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है यदि रोड के लेवल से नीची है तो आपको ऐसी शॉप नहीं लेनी चाहिए यदि आप ऐसी शॉप ले रहे हैं तो आपको अपनी शॉप का फर्श लेवल फ्लोर लेवल रोड के लेवल से ऊंचा जरूर कराना है और फर्श की ढलान साउथ से नॉर्थ की ओर या साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर जरूर करनी है आप ऐसी दुकान परचेज करते हैं या किराए पर लेते हैं और रोड के लेवल से अंदर का फर्श का लेवल ऊंचा करते हैं और स्लोप साउथ से नॉर्थ की ओर या साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर करते हैं और ऐसी दुकान के अंदर आप जो भी काम करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है मेरा अपना विश्वास है कि आपका काम बहुत ही बढ़िया चलेगा लेकिन अंदर का सेटअप आपका बढ़िया होना चाहिए सही होना चाहिए यदि अंदर का सेटअप आपका सही नहीं होगा आपकी वर्किंग तो अच्छी होगी लेकिन आपके यहाँ जो सेविंग होनी चाहिए वो सेविंग अच्छी नहीं होगी उसमें कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि मेरे यहाँ काम अच्छा होते हुए भी सेविंग अच्छी नहीं है जो प्रॉफिट आना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं आता तो मैं आपको कहना चाहूँगा यदि आपको ऐसी कोई शॉप मिल रही है और वो शॉप वेस्ट फेसिंग है और गोमुखी है और गोमुखी में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बड़ा हुआ है तो आप ऐसी शॉप का विचार कर सकते हैं ले सकते हैं उसका किराया दो पैसे ज़्यादा भी है तो आपको विचार नहीं करना चाहिए ऐसी शॉप ले लेनी चाहिए यदि आप परचेज कर रहे हैं तो भी आपको ऐसी शॉप खरीद लेनी चाहिए परचेज कर लेनी चाहिए मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही लगती है और आपको शॉप परचेज करनी है तो आप इस तरीके से शॉप परचेज कर सकते हैं आप भी अपनी किसी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का हमसे मैप बनवाना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या नई दुकान बनाने जा रहे हैं या किसी भी काम के लिए नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो भी आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी आपकी बिल्डिंग आधी अधूरी बीच में पड़ी हुई है आप उसमें काम बार बार शुरू करते हैं लेकिन काम फिर रुक जाता है आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी बिल्डिंग के अंदर कहाँ क्या दिक्कत है तो भी आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को पूरा कराने में सहायक जरूर होगी मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक भी करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे इसी तरह अगले प्रोग्राम में मैं आपको इसी शॉप के अंदर के सेटअप के बारे में जानकारी देना चाहूँगा तब तक के लिए नमस्कार